गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका कल लेक्चर चल रहा था सीड स्टोरेज के बारे में, उसका थोड़ा सा पार्ट आज आपको करवाना बाकी है और उसके बाद में अपने नेक्स्ट पार्ट था जो सीड मार्केटिंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन सेल्स जनरेशन एक्टिविटीज उसकी प्रमोशनल मीडिया वगैरह, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहले अपने कल वाले पार्ट का थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा पढ़ लेते हैं कल वाले लेक्चर का। बेस्ट प्रॉब्लम इन सीड स्टोरेज, तो अपने स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, हाउ टू सीड स्टोरेज, कैसे सीड स्टोरेज करते हैं, क्या क्या उसमें अपने विधि अपनाते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो अब इसमें देखते हैं अपने पेस्ट प्रॉब्लम इन सीड स्टोरेज। तो सीड स्टोरेज, इससे पहले अपने थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। जब भी स्टोरेज जो भी होता है, अपने सीड को स्टोरेज करते हैं, तो उसका प्रेडिक्शन करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। यानी कि अपने को सीड को स्टोरेज करना है तो उससे उसके पहले इससे पता लगाया था सीड अपना स्टोरेज करने लायक है या नहीं, या वो डिस्पोजल के लायक है। उसके लिए जनरली पहले दो टेस्ट अपनाए जाते हैं। पहला टेस्ट है जिसमें काडा टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, इस काडा टेस्ट बोलते हैं। इसका मतलब है ग्लूटेमिक एसिड ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, जैसे जनरली ये से अपने टेस्ट है जो सीड विगर का टेस्ट है। आपको सीड विगर में इसको करवाया नहीं था, लेकिन ये जैसे सीड विगर का टेस्ट है, यानी कि सीड विगर सीड ओज को अपने इसमें देखते हैं, तो वही अपने जैसे जितना ज़्यादा सीड का विगर होगा, जितना ओज होगा, वो स्टोरेज में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसके लिए जनरली ये टेस्ट अपनाया जाता है जिसको गाडा टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या देखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उसकी मात्रा को, इसको माप को इसमें देखा जाता है, जिसमें डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, डीकार्बोक्सिनेज एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी के आधार पर इसमें सीड विगर की ओज जो होता है अपने को आइडिया हो जाता है, और उस हिसाब से अपने सीड का प्रोडक्ट जो अपने स्टोरेज है उसके बारे में आइडिया लगा लेते हैं। इसमें जनरली जैसे 30 ग्राम सीड सैंपल लेते हैं, जिसको आराम बिल्कुल महीन पीस लेते हैं, यानी बिल्कुल ब्रीक मिक्सचर उसका बना लेते हैं, तो उसके अंदर 15 ml ग्लूटामिक एसिड उसमें मिलाते हैं। ये सारी प्रक्रिया किस में करते हैं, मैनोमीटर होता है जो सबसर मापी बोलते हैं जिसको हिंदी में, मैनोमीटर सबसर मापी में ये सारी प्रक्रिया करते हैं। इसमें सीड को मिक्स करने के बाद भी उसमें ग्लूटामिक एसिड मिला देते हैं, और इसको 10 मिनट तक इसमें वाटर बाथ में रखते हैं, ताकि जो वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, ताकि जो उसका जो अपने सीड जो मिक्सर किया उसका भी टेम्परेचर इतना चाहिए। उसके बाद में जो विक्रिया करके जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसकी मात्रा के हिसाब से अपने सीड इसमें विगर टेस्ट करते हैं। दूसरा इसमें टेस्ट होता है टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, जो सीड वियबिलिटी का टेस्ट है, उसके आधार पर भी अपने इस सीड स्टोरेज की अपने प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसकी भी किसी अपने सीड स्टोरेज करने लायक है या नहीं, या वो डिस्पोजल के लायक है। तो दूसरा टेट्राजोलियम टेस्ट है, वो आपको करवाया हुआ है, इसमें 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ये जनरली दो टेस्ट से जो अपने प्रेडिक्शन ऑफ स्टोरेज सीड स्टोरेज की जो भविष्यवाणी बोल सकते हो आप, उसको पहले भी अपने आइडिया लगा लेते हैं भी अपने सीड स्टोरेज के लायक है या नहीं, उसके बारे में पता लगाने के लिए ये दो टेस्ट अपनाए जाते हैं। तो अब अपने पढ़ते हैं उसके पढ़ते हैं सीड ट्रीटमेंट। पेस्ट प्रॉब्लम पहला है ट्रीटमेंट ऑफ सीड स्टोर्स। आपका सारा सीड आपने प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद सीड को ट्रीटमेंट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसके बाद में आपको जैसे ही पता चला कि आपके जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है, जो सीड स्टोरेज स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो बिन्स वगैरह है, गोदाम है, वेयर हाउस वगैरह है, तो उनमें अगर पहले से पेस्ट मौजूद है, उसके लिए जनरली क्या क्या है उसमें, जैसे EDCT जो मिक्सर होता है, इथेलाइन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड,
तो 3:1 के रेशो में आता है इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मिक्सचर होता है उसको 10 लीटर प्रति 40 क्यूबिक मीटर। जो अपने वेयर हाउस है, जो अपने सीड, जो बीन्स वगैरह बने हैं, गोदाम वगैरह है, तो उसमें 40 क्यूबिक मीटर की रेंज, अपने रेंज क्या, रेट क्या रखेंगे, 10 लीटर प्रति 40 क्यूबिक मीटर इसमें रखते हैं। दूसरा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो टेबलेट्स आती है, 3 ग्राम की टेबलेट्स होती है, वो प्रति टेबलेट में 12 से 15 क्यूबिक मीटर की स्पेस के अकॉर्डिंग इसमें रखते हैं। और इसका अगर अपने मेलाथियन सॉल्यूशन होता है उसका छिड़काव करना हो तो 0.5% मेलाथियन सॉल्यूशन है उसका 500 ml प्रति 100 क्यूबिक मीटर की दर से अपने स्पेस के अनुसार से उसमें छिड़काव करते हैं। जो स्प्रे वगैरह जो भी अपने नेप से स्प्रेयर हो गए या कुछ अलग इक्विपमेंट की मदद से इसमें करते हैं। इसके बाद में आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैग्स। जो अपने सीड ट्रीटमेंट, जो सीड जिसमें स्टोरेज किया जाना है, जिस जो बैग्स अपने यूज़ करते हैं जनरली, तो उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इसके बाद में डीप 10 मिनट इन 1% मेलाथियन सॉल्यूशन, मतलब जो सीड बैग्स होते हैं अपने जूट वगैरह के हो गए, जो भी हो गए, कई बार उन्हें क्या होते हैं तो इंसेक्ट वगैरह के स्पोर्स या अंडे वगैरह हो गए या जो फंगस वगैरह होती है उनके, वो उससे अटैच होती है, तो उनको अगर अपने इंसेक्ट वगैरह को, जो स्टोरेज इंसेक्ट वगैरह है उनसे, डैमेज से बचाने के लिए 1% मेलाथियन सॉल्यूशन में 10 मिनट तक सीड जो बैग्स होते हैं उनको डुबो कर रखते हैं। उसके बाद में उनको सुखा कर प्रयोग में लाना चाहिए। फ्यूमिगेशन ऑफ 1 लीटर इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो मिक्सर होता है 3:1, उसका रेट ऑफ एवरी 10 बैग्स, 1 लीटर 10 बैग के लिए इसमें अप्लाई फ्यूमिगेशन इसमें करते हैं, ताकि जो भी अपने पेस्ट वगैरह हैं स्टोरेज में वो उनसे बोरो से चिपके हैं तो वहाँ से या हट जाए या फिर मर जाए उनसे। अगला है सी ट्रीटमेंट बैग्स। पहले अपने जो स्टोरेज स्ट्रक्चर थी उसका ट्रीटमेंट कर लिए, इसके बाद में बैग्स ट्रीटमेंट के लिए, इसके बाद में अपने ग्रुप सीड्स को स्टोरेज करना है, फिर आपको इससे पता चले भी अपने सीड भी उसमें डैमेज वगैरह इंसेक्ट वगैरह उसका आक्रमण है उन पर, उसके लिए क्या करते हैं, जो EDCD का मिक्सचर होता है 15 लीटर 400 क्विंटल प्रति 400 क्विंटल के लिए 2400 के लिए इसमें इसका फ्यूमिगेशन करते हैं। मिक्स द सीड इन द रेशो ऑफ 100:1 विद पाउडर ऑफ नीम सीड कर्नेल, जो नीम सीड की जो गिरी होती है उसका जो पाउडर बनाकर उसके अंदर इस रेशो के अंदर उसको मिलाकर अपने रखने से भी इंसेक्ट वगैरह उनका डैमेज कम होता है या ना के बराबर होता है। अगला ट्रीटमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर आपने जैसे वेल अपने डेवलप्ड सीड अपने स्टोरेज स्ट्रक्चर आपने इस्टाब्लिश या कर की है, उसके बाद में अपने कुछ समय बाद में उसमें इंसेक्ट वगैरह का अटैक हो जाए, उस स्टेज में अपने को क्या क्या केमिकल्स वगैरह क्या क्या उसमें यूज़ करते हैं, तो पहले इसमें देखते हैं EDCT जो मिक्सर होता है 0.5 kg पर मेट्रिक टन सीड, यानी कि 10 क्विंटल सीड या 1000 kg सीड 0.5 kg 500 ग्राम अपने इसमें EDCT मिक्सर का फ्यूमिगेशन करते हैं। 1 टेबलेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मेट्रिक टन सीड पर मेट्रिक टन सीड की पर अपने 1 टेबलेट एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की इसमें रख देते हैं, या फिर EDB जो इथाइलिन डाई ब्रोमाइड जो इम्फोल जो इसकी आती है, जो अपने पाउच वगैरह आते हैं 3 ml के, वो पर मेट्रिक टन की दर से अपने इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये थे अपने जो पेस्ट एंड कंट्रोल, जो भी प्रॉब्लम आती है स्टोरेज के दौरान उनको कंट्रोल करने के डिफरेंट थोड़े मेथड्स थे जिसके बारे में आपको बताया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सीड मार्केटिंग। सीड मार्केटिंग जो अपने सीड प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग हो गई या फिर उसको बाद में अपने स्टोरेज वगैरह हो गया, ट्रीटमेंट करने के बाद में उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो ये सबसे मुख्य पार्ट होता है, ये वाइटल पार्ट है आपके सीड प्रोडक्शन कंप्लीट साइकिल का, वाइटल पार्ट है। यानी कि आपने जो भी सीड प्रोडक्शन किया है तो उसको बेटर मार्केटिंग अगर अवेलेबल नहीं होगी तो सीड प्रोडक्शन का उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो पहले देखते हैं सीड मार्केटिंग होती क्या है। सीड मार्केटिंग इसमें देख लें हिंदी में देखते हैं तो सीड बीज विपणन में बीज उत्पादन का मांग और पूर्ति से संबंध है, यानी कि डिमांड और सप्लाई, कितनी उसकी डिमांड है कितनी अपने सप्लाई हो रही है उस रिलेशन में। विपणन के अभिकरणों यानी कि जो अपने मार्केटिंग एजेंसीज है उनके बारे में एवं वितरण के माध्यमों और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो वितरण के माध्यम है उनके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। यानी कि इस तरह से इसको कंप्लीट सीड प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट स्टोरेज वगैरह सारी इन चीज़ को अपने सीड विपणन के अंदर में ही देखते हैं। तो फार्मर्स डिमांड होती है और रिलायबल सप्लाई होनी चाहिए इसमें इंक्लूड सीड वैरायटी को, उसको फार्मर्स को सप्लाई करने के लिए सीड मार्केटिंग के लिए बेटर चैनल का होना आवश्यक है। आपके पास बेटर स्टोरेज अगर सुविधा होगी तभी आप सीड मार्केटिंग को समय अनुसार समय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं सीड मार्केटिंग के देखते हैं। पहला है फोरकास्टिंग ऑफ सीड डिमांड।
फोरकास्टिंग ऑफ सीड डिमांड, सीड डिमांड का फोरकास्टिंग से तो पूर्वानुमान लगाना है, सीड से जो अपनी मांग होती है उसके सीड बीज मांग क्या पूर्वानुमान लगाना होता है इसका मतलब। बीज मांग का पूर्वानुमान यानी कि आपके कुछ क्षेत्र विशेष में आपने जैसे भी कोई आपने सीड प्रोसेसिंग यूनिट इस्टाब्लिश कर रखी है, आपने स्थापित कर रखी है, तो उस क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग अपने को फोरकास्टिंग के आधार पर अपने को अनुमान के आधार पर अपने पता लगाते हैं भी उस क्षेत्र में कौन से पर्टिकुलर वैरायटी है, कौन से पर्टिकुलर सीड की डिमांड रहने वाली है, उस आधार पर इसमें देखते हैं सप्लाई ऑफ सीड। दूसरा सप्लाई ऑफ सीड, जो सीड मार्केटिंग में सीड सप्लाई वो किससे प्रभावित होती है इसके बारे में अपने इसमें देखेंगे। सीड मार्केटिंग स्ट्रक्चर, अपने सीड मार्केटिंग स्ट्रक्चर कैसी है इसके, ये भी इसके एक कॉम्पोनेंट्स है। सीड सेल्स प्रमोशन, जो आपका सीड है जो जिसमें सीड सेल्स प्रमोशन का मतलब है बीज बिक्री प्रचार, जो अपने बीज को बिक्री के लिए जो प्रचार का माध्यम की जरूरत होती है। आज का मालूम आपको मालूम है सोशल मीडिया का जमाना है तो अपने सीड जनरली प्रचार करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेसबुक्स वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, जैसे ट्विटर वगैरह हो या फिर जो जनरल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह हो, तो उसके माध्यम से अपने सीड प्रमोशन के या टेलीविज़न के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी भी तरह से अपने उसका प्रमोशन या प्रचार उसका करते हैं ताकि अपने सीड को बेटर मार्केटिंग फैसिलिटी मिल सके और उसको जो सप्लाई और डिमांड है वो मेंटेन बनी रहे। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड सीड प्राइसिंग, जो सीड मार्केटिंग के लिए सीड प्राइसिंग डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीड प्राइसिंग से ही अपने मार्केटिंग है, क्योंकि आपको मालूम है किसानों को अगर सही कीमत पर अगर बीज मिल जाए तो ही वो संतुष्ट हो पाते हैं, नहीं तो जनरली अगर उनको थोड़ा सा लगता है भी कीमत बहुत ज़्यादा सीड चाहिए तो अपने जो पुराना सीड होता है वही उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो सीड प्राइस है वो एकदम सही अपने उस लोकल जो एरिया है जिस एरिया में आपका सीड मार्केटिंग चैनल वगैरह बनाए हुए हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। अब पहला देखते हैं फोरकास्टिंग ऑफ सीड डिमांड। सीड फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर फॉर फोरकास्टिंग ऑफ सीड डिमांड। सीड डिमांड की जो फोरकास्टिंग जो पूर्वानुमान लगाते हैं तो उसके लिए जनरली जैसे अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं, जैसे स्टैटिकल मेथड्स होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया या कुछ एक दो एक्स्ट्रा मेथड होते हैं इनमें, तो उसके लिए अपने को कौन कौन से पॉइंट इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहले अपने टोटल कल्टीवेटेड एकरेज यानी कि जो आपका कितना आपका कल्टीवेटेड एरिया है, सीड रेट बीज दर मांगी कितनी है, क्वालिटी रिप्लेसमेंट पीरियड कितना है, असेसमेंट ऑफ टोटल पोटेंशियल सीड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप है उस क्षेत्र विशेष की सीड रेट क्या है या वहाँ का मतलब क्या वातावरण है, उस सब के आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्योंकि आपको मालूम है भी अपने को कितना सीड प्रोडक्शन करना है तो आपको अगर उस लोकल एरिया का कल्टीवेटेड एरिया आपको पता है और सीड रेट पता है तो उससे आपको मल्टीप्लाई करके उस ग्रोस डिमांड अपने जो भी सीड की है वो आप अनुमान लगा सकते हैं और उतना सीड आप प्रोडक्शन उसमें कर सकते हैं। दूसरा इसमें इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन एफर्ट्स ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड फ्यूचर प्लान फॉर प्रमोशन है, जो भविष्य के लिए जो अपने प्रमोशन प्लान्स प्रचार प्लान्स बनाते हैं या अपने जो इम्प्रूव्ड जो प्रोडक्शन टेक्निक्स उसके प्रचार माध्यमों के बारे में अपने को उसकी क्षेत्र विशेष की जानकारी इसमें होनी चाहिए तो वो भी इसमें इसमें अपने देखते हैं। अगला है करंट, जो अपना करंट क्षेत्र है जिसको चालू क्षेत्र बोलते हैं, अंडर हाई यील्डिंग वैराइटीज, जो हाई यील्डिंग वैराइटीज है अधिक उपज वाली वैराइटीज़ के अंदर जो चालू क्षेत्र है एंड अमाउंट ऑफ सीड सोल्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर, जब भूतपूर्व साल में जितना उस बीज है अपने सेल हुआ है तो उस चीज़ के बारे में भी अपने को उसमें जानकारी होनी चाहिए जो भी अपने आपको फोरकास्टिंग में मदद मिलती है। कल्टीवेटर्स प्रिफ्रेंस फॉर वेराइटीज़ पैकेट साइज काइंड ऑफ पैकेजिंग क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ सीड्स, जो अपने फार्मर्स वगैरह कल्टीवेटर से मतलब है जो फार्मर्स वगैरह जिस लोकल एरिया के जो भी फार्मर्स हैं तो उनकी जो प्राथमिकताएं हैं किस वैरायटी को प्राथमिकताएं हैं, क्या वो पैकेट साइज पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग, पैकेट साइज भी डिफर होते हैं, किसी के पास छोटा लैंड होल्डिंग है तो उसके लिए उसको छोटे पैकेट की जैसे आपने बीटी कॉटन है तो उसके लिए 450 ग्राम की पैकेजिंग आती है, तो ये छोटे पैकेजिंग वगैरह जो डिफरेंट डिफरेंट सीड रेट की तरह से अपने पैकेजिंग क्या है उनकी डिमांड है उस अकॉर्डिंग उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, काइंड ऑफ पैकेजिंग कैसी पैकेजिंग वो पसंद करते हैं, जूट में है या पॉलीथीन वगैरह से है या किस प्रकार के कंटेनर्स वो पसंद करते हैं, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ सीड उसका क्या प्राइस वगैरह है वो क्या वहाँ पर किस प्राइस में लेना वो पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग अपने उनकी प्राथमिकता के आधार पर अपने को ज्ञान होना चाहिए। नंबर एंड साइज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, उस क्षेत्र में जो भी कॉम्पिटिटर्स अपने हैं उसका भी अपने को आइडिया होना चाहिए, कहाँ कितने क्षेत्र तक उनका फैला हुआ मतलब उनका मार्केटिंग जो भी सिस्टम है उसका भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अबाउट रीजनल क्लाइमेट,
उस क्षेत्र विशेष की जलवायु के बारे में भी अपने को संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, ताकि अपनी मार्केटिंग जो भी अपने चैनल्स वगैरह की आगे अपने भविष्य में जो अपनाते हैं तो वो प्रभावित उसे न हो। दूसरा, सप्लाई ऑफ सीड, जो सीड की सप्लाई होती है वो किस किस कारकों से प्रभावित होती है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ सीड, प्रोडक्शन ऑफ सीड आपको उस क्षेत्र विशेष की पहले ये जानकारी होनी चाहिए भी अपने आपको कितना वहाँ पर सीड की रिक्वायरमेंट है। जनरली जैसे अपने जो भी अपने कल्टीवेटेड एरिया होता है उसको सीड जो सीड रेट होती है उसे अपने मल्टीप्लाई करके अपने जो ग्रोथ है जो सीड डिमांड है उसको अपने आइडिया लगा सकते हैं। अगर अपने पास अधिक प्रोडक्शन है तो अपने जो भी डिमांड और सप्लाई है वो बेटर रहेगी। अगर अपने प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है तो ये अपने प्रभावित हो सकती है, यानी कि ये प्रोडक्शन जो भी है ये अपने काफ़ी लंबा चौड़ा जैसे काम है। आपको मालूम है सीड प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग से ट्रीटमेंट स्टोरेज तक कम से कम 15 से 16 माह या 18 माह तक का समय ले सकता है। तो उसे बीच में अगर कोई अदर वैरायटी रिलीज हो जाए ब्रीडर के द्वारा तो भी अपने को इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का अपने को आइडिया होना चाहिए। एरिया अंडर फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड जो वो एरिया जो फाउंडेशन सीड के अंडर में वो भी अपनी सप्लाई जो सीड की होती है उसको प्रभावित करता है। पहले जो फाउंडेशन सीड का क्रम था जो नेशनल सीड अपने कॉरपोरेशन था उसके अंडर में होता था, तो जनरली अपने जो भी प्राइवेट जो भी अपने हैं वो स्टेक होल्डर वगैरह जो भी लेना चाहते हैं तो उसको दे दिया जाता है फाउंडेशन सीड करना। जो अपने NSC है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, या फिर जो भी स्टेट फॉर्म्स वगैरह हैं, स्टेट फार्म के एग्रीकल्चर फार्म्स वगैरह सभी ये फाउंडेशन सीड प्रोड्यूसर इसमें करते हैं। जो रीजनल स्टोरेज फैसिलिटी आपके जो क्षेत्र विशेष में जो रीजनल क्षेत्र में जो कैसी स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ पर डेवलप है, या स्टेट गवर्नमेंट या के द्वारा वेयर हाउस वगैरह वहाँ पर बने हुए हैं, यानी गोदाम वगैरह की सुविधा है नहीं, ताकि अपने एमरजेंसी सीड को स्टोरेज कर सके कई बार। सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ का सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा इसमें होना चाहिए। सीड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी अपने इसमें सीड की सप्लाई को इसमें प्रभावित करता है। लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, कई बार जो एफिशिएंट अपने चैनल का इस्तेमाल करते हैं सीड भी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आसानी से अपने सीड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कहने का मतलब अभी सीड अगर किसानों को जैसे सीड सोइंग जैसे समय स्टार्ट होता है उसमें सीड की पीक पीरियड होता है जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर उनको सीड डिस्ट्रीब्यूट अगर आसानी से नहीं होगा तो अपने क्या करेंगे जो जनरली लोकल वैरायटी है जो अपने प्रसीडिंग ईयर का जो भी सीड था वो इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अपने पास बेटर सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए उसे लोकेलिटी के अनुसार में। प्राइस एंड डिमांड ऑफ पर्टिकुलर सीड, जो डिमांड और जो प्राइस है सीड का ये सही मतलब सही तरह से उसमें मेंटेन होना चाहिए। तो ये उस लोकल एरिया के हिसाब से आपको सीड की क्या डिमांड है उसका क्या प्राइस है उसी अकॉर्डिंग अपने इसमें रखते हैं। तो आपको मालूम है अगर प्राइस हाई रखेंगे तो क्या करते हैं किसान अपने मार्जिनल जो फार्मर होते हैं जो गरीब किसान वगैरह छोटे जहाँ अपने इंडिया में लगभग लैंड होल्डिंग है सबके पास कमी होती है, मार्जिनल फार्मर्स की संख्या ज़्यादा है, तो अपने क्या करते हैं उसमें सीड जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होने पर किसान वो जनरली अपने लोकल सीड या आसपास के किसान से सीड लेकर उसमें सोइंग कर लेते हैं। तो वो भी इसका अपने भी इसका नॉलेज होना चाहिए क्या उसका प्राइस पर्टिकुलर प्राइस कैसे उसको प्रभावित करेगा अपने सीड मार्केटिंग को। अब अपने देखते हैं सीड मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स, सीड मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स में पहला है अपने जैसे फार्मर टू फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसान से किसान के द्वारा जो वितरण होता है जिसमें ये एक बहुत पुरानी अपने कह सकते हैं एक तरह की प्रथा ही मानो, क्योंकि इसमें पुराने समय में ऐसा होता था बारले के बदले में अपने वीट को दे दिया या वीट के बदले में बारले दे दिया, ऐसे काइंड ऑफ वैरायटी को डिस्ट्रीब्यूशन से अपने किसी और वैरायटी के बदले में उसको दूसरी वैरायटी की गेहूँ दे दिया अपने दूसरी वैरायटी उससे ले ली। तो ये प्रथा अभी भी प्रचलन में है, ये भी इसका भी अभी भी काफ़ी इस्तेमाल होता है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन बाय रजिस्टर्ड ग्रोवर, जो अपने स्टेट और नेशनल जो भी रजिस्टर्ड ग्रोवर होते हैं उनके द्वारा भी सीड को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जो अपने मनी होती है उनमें भी सीड का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह हो गए AO वगैरह हो गए वो भी सीड का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाय नॉन गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट एजेंसीज, अलग जो भी अपने सरकारी जो भी एजेंसियाँ हैं या जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसियाँ हैं वो भी सीड डिस्ट्रीब्यूशन में पर्टिकुलर इसमें भाग लेती हैं। अगला है अपना सीड सेल्स प्रमोशन, जो अपने सीड अपने प्रोड्यूस किया है उसका सही ढंग से अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो उसकी बेटर उसको मार्केटिंग नहीं मिल पाएगी। तो सी आज के समय में आपको मालूम है भी प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज फॉर्म द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटीग्रल इसका पार्ट है प्रमोशन वगैरह।
तो इसमें जनरली आपने न्यूज़पेपर वगैरह में आपने एड वगैरह निकलवा दी भी अपने अपनी ये सीडी इस बार यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास में, थोड़ा इफेक्टिव एड वगैरह हो तो फार्मर उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। सिनेमा स्लाइड्स वगैरह हो गई, फार्मर फेयर जो किसान मेले होते हैं वहाँ पर आप छोटी प्रदर्शनी लगा सकते हैं अपने इंप्रूव सीड की, वहाँ पर सैंपल दिखाकर अपनी उसके जो बैग वगैरह है वो भी वहाँ पर एक बैग में पैकेजिंग रख दें, थोड़ा साथ में खुला सीड रख लें तो क्वालिटी सीड वो देखेंगे तो इससे भी प्रभावित उसका प्रभावित होगा। अगला है रेडियो वगैरह, इसमें भी एड्स आप टेलीविज़न में और सोशल मीडिया जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलन है, इसके तरह भी आप अपना पर्सनल चैनल बनाकर आप सीड को सीड के बारे में उन लोगों को जानकारी पहुंचा सकते हो, उनको बता सकते हो भी ये अपने पार्टिकुलर सीड यहाँ पर अवेलेबल है, इस मार्जिनल प्राइस है इसका, इस वगैरह सारी जानकारी आप प्रोवाइड करके आप सीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या उसके बारे में जो भी आपके प्रमोशन एड्स वगैरह उसके बारे में आप जैसे जैसे प्रमोशन एड्स जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी सीड का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही बेटर होगा, लोगों तक दूर दूर तक जानकारी फैलेगी सीड की उतनी ही बेटर आपकी सीड की मार्केटिंग होती है। तो ये थे अपने अगले, बाकी इसका नेक्स्ट जो बचा हुआ भाग है वो अगले नेक्स्ट चैप्टर में अपने इसके नेक्स्ट जो अपने ऑनलाइन लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। थैंक यू।